लगेंगे बड़े बुरे। फाइनली जी हम अल्पाइन होटल। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, स्पेशली सब्सक्राइबर्स को, उम्मीद है सब ठीक होंगे। फाइनली जी अब हम होटल से निकलने लगे हैं। पीछे आपको नजर आ रहा होगा पाक होटल, और तकरीबन बहुत अच्छा व्यू भी है, रूम्स भी अच्छे हैं, प्राइस भी रीजनेबल है। अब हम जा रहे हैं अल्पाइन होटल में, वहाँ का जाकर देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर, एक्टिविटीज हैं, जिप लाइन। रिसेंटली एक दोस्त है शेरू भाई, बहुत प्यारे भाई हैं, वो होकर गए हैं यहाँ से और रहे भी यहाँ पे, वही थे पाक होटल में भी, उन्होंने सजेस्ट किया था। और अब उसके साथ साथ ये भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसका शॉर्मा ट्राई करना है। ऐसी ज़्यादा कोई नहीं मसला, अच्छा बनाओ आप तो, वीडियो में भी आ रहे हो उस हिसाब से बनाना। ये जी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बाकी अब ट्राई करते हैं तो बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ओवरऑल भाईजान जूसी है और टेस्ट भी अच्छा है, और मौसम अच्छा हो तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही अच्छी लगने लग जाती हैं, तो ओवरऑल गुड टेस्ट। शेरू भाई आप पास हो। ये आवाम गालियां निकाल रही है आपको, निकाल रही आप करवा रहे हैं। सही है। क्या नाम बताया आपने भाई? मेरा मुजफ्फर। कहाँ से आए हो? मैं फैसलाबाद से, मेरा यूट्यूब चैनल है। चलो बात ठीक है, बहुत जाफी गए। हाँ बात ठीक है, एक दूसरे को करते हैं ठीक है। सीन वही होता है कि जब आप ऐसे बना रहे होते, कोई ना कोई आता है यार, आप डेली ब्लॉगिंग, कोई ना कोई आ जाता है पूछता है भाई आपका YouTube चैनल है या डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा मज़ा आता है चीज़ का भी। जैसे वो भाई हाथ ला दो ज़रा। ठीक है, तकरीबन हमें 4 घंटे हो गए हैं नथिया के लिए पहुंचे हुए, कभी धूप आ रही कभी बारिश, लेकिन फाइनली जब हम निकलने लगे हैं अल्पाइन होटल की तरफ, जैसे आपको पहले बताया है, तो बारिश वाला सीन ऑन हो गया और मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त है। फाइनली जी हम अल्पाइन होटल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मौसम की वजह से रश भी है, और रश की वजह से ये है कि सबको अपनी बारी का वेट करना पड़ रहा है, और जैसे ही हमारी बारी आती है फिर हम अंदर चलते हैं, लेकिन मौसम ने मज़ा डबल कर दिया, बेशक हमें वेट करना पड़ रहा है। और मेन बात है कि बारिश की वजह से कोई भी एक्टिविटी इस टाइम अलाउ नहीं है, और बेसिक जो रेस्टोरेंट है जिसका व्यू भी है वो सब उसके लिए वेट करना पड़ रहा है, काफ़ी रश है इधर। माशाल्लाह से मौसम देखें, और ये यालाबारी शुरू हो गई है, ये देखें अभी लगेंगे बड़े बुरे। पाच रहे हो? वाह मोहम्मद जी एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह से। फाइनली जी जो हमें उन्होंने जगह दी है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये जो अल्पाइन पे आने का शौक था वो काफ़ी तगड़ा हमारा पूरा हो रहा है। मुसलसल बारिश है, और ये देखें माशाल्लाह से ये हालात है। काफ़ी यहाँ पे इनके सीटिंग प्लान्स हैं, कुछ इंडोर हैं और कुछ आउटडोर हैं, आउटडोर तकरीबन उनके फुल हैं। और ये देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मोहम्मद काफ़ी गीला हो गया, किचन का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से कम 1 से 1.5 घंटे का मजीद वेट करना पड़ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया चाय लेते हैं और वापस जाते हैं, मौसम इंजॉय हो गया और खाना हम जाए खाते हैं अपने अपने होटल के पास से ही, और आए आपको बाकी जगह विजिट करवाते हैं। कभी सुन तो जरा जो दिल कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। बाकी फैमिली तो जा चुकी है गाड़ी में, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा इस मौसम को छोड़ के जाने का, तो अब इसमें एंजॉय हो रहा है, जितनी देर कर सकते हैं करते हैं। बारिश हल्की हो गई है लेकिन एंजॉय है माशाल्लाह। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तो अब हम वापस आ गए अपने होटल में, जो है होटल अफाक, और इन्हीं का एक रेस्टोरेंट है होटल अफाक का ही, इसके साथ अटैच ही है, वो भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वहाँ पे अब हम खाना खाने लगे हैं, तो वो भी आपको साथ विज़िट करवाते हैं, और उम्मीद है कि उसका टेस्ट अच्छा ही होगा। ऐसे ही व्यू है यहाँ से इनके होटल से, और वहाँ पे बारबेक्यू लग रहा है, जाके ज़रा देखते हैं क्या सीन है। ऑर्डर तो हमारा हो चुका है, वो भी बताते हैं आपको, और मेन्यू भी दिखाते हैं इनका। ये जी मलाई बोटी है, सही है। ये किलो के हिसाब से दे रहे हो कि पीस के हिसाब से? ना ये सेक के साथ।
सीट के हिसाब से। ये लगता है हमारा ऑर्डर ले गया है भाई, बड़ी स्पीड से ले गया। और यहाँ पे जी सब्जी है, कितने की भाई फुल सब्जी? 1450 की। कितने की? 1450 की। 2450 की? 1450 की, ठीक है जायज़ है। फिर भी इतने में नाराज़ भी नहीं होती मुर्गी, इससे ज़्यादा रेट ना करना नाराज़ हो जाएगी। ये है बीफ कौरमा, घर से बन गया है, ये सब्जी है, ये बीफ पुलाव है और ये बिरयानी है। और लें जी अब वाक्य मुकाबला होने वाला है, ये बीफ काबली पुलाव है इधर का, ये सब्जी है और ये घर से जो हमारी चाची हैं वो लेकर आई हैं बीफ कौरमा बनाकर। जेन्युइन रिव्यूज यही है कि जो बीफ घर से बन के आया है वो नंबर वन पे है, उसके बाद दोनों सब्जी भी अच्छी है और बीफ जो इनका पुलाव है वो भी अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह आपको मिलती हैं नई जगह के साथ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।